तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐप नहीं शो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस पीसी मेरा जो है वो डिलीटेड है। अब मैं वापस लाने वाला हूँ चुटकी बजा करके। तो देख सकते हैं कि मैंने वापस से ले लिया है दिस पीसी को। तो कैसे लाया है सारे कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आपके लैपटॉप से दिस पीसी डिलीट हो चुका है और इसे आप वापस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर गलती से ये डिलीट हो जाता है तो इसे कैसे आप वापस ला सकते हैं। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास भी है, ये डिलीट हो चुका था लेकिन मैंने इसे वापस लाया है। तो कैसे लाया है सारे कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करके और इसे डिलीट कर देता हूं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहता हूं। अब यहां से मैंने डिलीट कर दिया है, अब कैसे वापस लाना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप नीचे में देख सकते हैं कि एक सर्च आइकन दिया जाता है विंडो के जस्ट बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा दिस पीसी। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ दिस पीसी, ठीक है। अब जैसे ही इसे सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट की का ऑप्शन दिया जाता है वो नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही इसे ओपन करिएगा, यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ। साइड में करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको दिस पीसी का आइकन शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं कि साइड में आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको दिस पीसी को लेफ्ट क्लिक करना है और इसे दबाए रख करके आपको इसे ले आ करके यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। अब छोड़ने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो है दिस पीसी देख सकते हैं शॉर्टकट हो चुका है। अब इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं कि डायरेक्ट अब ओपन हो जा रहा है। तो आप इसे बिल्कुल आसानी तरीका से अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर के आते रहता हूँ।